दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग। विषय गणित, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, गणित का जादू, मैथ मैजिक। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता, नमिता यादव। कक्षा तृतीय, क्लास थर्ड। लेसन का नाम पैटर्न, प्ले विथ पैटर्न्स। तो पैटर्न होता क्या है? किसी आकृति, रंग, अक्षर, संख्या, शब्द के निश्चित क्रम या दोहराव को पैटर्न कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास तरह तरह के पैटर्न देख सकते हैं। आइए देखें आपके आसपास किन किन चीजों में आप पैटर्न देख सकते हैं। देखिए तो सोचिए, क्या इनमें कोई पैटर्न है? दरवाजे की खिड़की की जाली, टाइल्स, बेडशीट, यहाँ तक कि जानवरों में, कपड़ों में, आपके हाथों की हड्डियों में भी एक पैटर्न है, दांतों में भी एक पैटर्न है। देख रहे हैं ना आप, आपके आसपास कितने तरह के पैटर्न आप देख पा रहे हैं। चलिए कुछ और पैटर्न आप देखते हैं। रंगोली सभी ने बनाई होगी, मेहंदी का डिजाइन, छतों में पीओपी, बिजली की स्विच बोर्ड में भी एक पैटर्न है। फर्श में, दीवार में, वहां भी एक पैटर्न दिखाई देगा आपको। हमारे आसपास प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिखाई देगा। पत्तियों में, मोर के पंखों में, फूलों की पंखुड़ियों में, यहाँ तक कि पक्षियों के लोके परों में भी। दोहराव वाले पैटर्न्स यानी रिपीटिंग पैटर्न्स, जहाँ पर एक पिक्चर, एक फिगर बार बार रिपीट हो रही हो और पैटर्न बन जाए, तो उन्हें कहते हैं रिपीटिंग पैटर्न्स। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, शेप्स पैटर्न, एरो पैटर्न, अल्फाबेट पैटर्न और न्यूमेरिकल पैटर्न्स, जहाँ पर पैटर्न्स अलग अलग बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना? चलिए कुछ और एग्जांपल्स से समझते हैं रिपीटिंग पैटर्न्स को। स्माइलीज के थ्रू, जहां पर पहली फिगर में ओ फेस बन रहा है, फेसेस की तरफ देखिए, ओ फेस, सैड फिश, हैप्पी, ऐसे ही और पैटर्न्स। नेक्स्ट वाले में देखिए ब्लू फिश, येलो फिश, फिर रेड फिश। बच्चों तो अब हम पढ़ते हैं पैटर्न्स के बारे में, जो कि है बढ़ते हुए पैटर्न्स यानी ग्रोइंग पैटर्न्स के बारे में। एक एरोस, दो एरोस और अब तीन एरोस, नेक्स्ट में क्या आएगा? चार एरोस। एक स्क्वायर, चार स्क्वायर, नौ स्क्वायर, तो अगले बॉक्स में क्या आएगा? सोच के बताओ। एक डंडा, दो डंडे, तीन डंडे, चार डंडे, तो अगली फिगर में क्या आएगा? जी बच्चों, आप जानते हैं छिपे हुए संदेश कैसे पढ़े जाते हैं? चलिए एक वाक्य देते हैं हम, क्या आप इसमें छिपे हुए संदेश को देख पा रहे हैं? हम आपकी मदद करते हैं। इनमें से क को हटाइए और बाकी अक्षरों को पढ़िए। मुझे, आ, म, ख, ना, पसंद है। क्या वाक्य बना? मुझे आम खाना प
पसंद है। तो देखा आपने कैसे हमने छिपे हुए संदेश को पढ़ा। चलिए इसी तरह से एक और संदेश को हम देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। किसी कोड भाषा में रीना को ऐसे लिखते हैं, SFFOB। बच्चों ध्यान से देखो, R की जगह क्या आ रहा है, S, E की जगह F। तो राखी को कैसे लिखेंगे, R की जगह क्या आएगा, S, E की जगह B, K की जगह L, H की जगह I और I की जगह J, यानी कि अगला अक्षर आ रहा है हमारा। तो राखी का क्या बना, SBLIJ। आसान है ना बच्चों। अभी आपने कुछ कोड भाषा पढ़ी, अब हम आपको एक और कोड भाषा बनाने सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसी कोडिंग की जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला याद है ना आपको, कितने अक्षर होते हैं इसमें, 26। इसी तरह से हमने इसको क्रम दिया है, A1, B2, C3। इसी प्रकार से आगे भी K11, L12, M13, M14, फिर S19, T20 और Z26, यानी 26। अब देखिए हम अपना नाम लिखते हैं इसमें कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। AJAY, A41, J410, A41, Y425। अब आप अपना नाम इसी तरह से इसी कोड लैंग्वेज में लिखिए अपनी कॉपी में। समझ आ गया है ना, लेटर्स को देखिए। आप लोगों ने रोमन नंबर्स पढ़े हैं, देखे होंगे ना अपने क्लास में लिखे हुए भी, 1, 2, 3, 4। इनको ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाता है।